हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं भेड़ाघाट। सोचा आपको भी घुमा दें। तो हम लोगों ने दीनदयाल जबलपुर से, हमें मेट्रो नहीं मिली तो हमने एक ई रिक्शा बुक किया। हम लोग 6 लोग हैं, तो यहाँ से करीब 18 से 20 किलोमीटर दूर जो है भेड़ाघाट है। तो हमें मेट्रो ना मिलने के कारण हम ई रिक्शा से जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि मज़ा करते हुए जा रहे हैं, और आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। ये हमारे संदीप भाई हैं, ये हमारे दीपक भाई हैं, ये हमारे फूलचंद भाई हैं, ये हमारे राम जी भाई हैं, और एक और है जो आगे बैठकर सवारी का आनंद ले रहा है। तो हम जो है अभी आधे रास्ते से कम आए हैं, और हमें अभी बहुत दूर जाना है, और जो हमने रिक्शा बुक किया है वो ज़्यादा फास्ट नहीं है। ये हमारे प्रशांत भाई हैं जो आगे बैठकर पूरा सामने का व्यू का मज़ा ले रहे हैं। अब हमारा यहाँ पर जो रिक्शा है, एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए हमें उससे नीचे उतरना पड़ा, जिससे हम साइड बदल सकें, क्योंकि उस साइड पे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद फाइनली हम जबलपुर में जो स्थित भेड़ाघाट स्थान है वहाँ पर हम लगभग पहुँच ही गए हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर ही है और हम जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हमें एक जो ब्रिज मिलता है उस पर से होकर हमें जाना है, और वहाँ चल के हम आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं भेड़ाघाट। भेड़ाघाट में सबसे पहले हम लोग सरस्वती घाट आए हैं, और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं जो नर्मदा नदी का जो जल है वह कैसा है और किस दिशा में बह रहा है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि यहाँ से जो नदी है वह विपरीत दिशा में बहने लगती है। तो हम सब एक साथ नीचे जा रहे हैं उसके किनारे पर, तो आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं। चलिए, तो सबने अपना अपना फ़ोन निकाल लिया और वीडियो शूट करने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ का व्यू कितना सुंदर है। यहाँ बहुत सारे लोग भी हैं जो हमारी तरह ही यहाँ आए हैं घूमने के लिए। यहाँ से देख सकते हैं कि जो पानी है वह बह रहा है एक दिशा में, और चलिए आगे हम आपको इसका और व्यू दिखा रहे हैं। ये जो है मेरा एक फ्रेंड है साथ में, वो भी मेरे साथ
ब्लॉग बना रहा है। अब चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से सीधा भेड़ाघाट चलते हैं और वहाँ का आपको व्यू दिखाएंगे। तो ये हम अब लोग ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने के बाद आगे का व्यू हम आपको वहीं दिखाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पर ये भेड़ाघाट लिखा हुआ है। दोस्तों अब हमें रास्ते में 64 योगिनी मंदिर है जो बहुत पुराना है, वहाँ हम लोग अब जा रहे हैं पहले, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे। तो ये हम बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर का ये कुछ व्यू है जो आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं मंदिर में। यहाँ एक बोर्ड लगा है जिसमें मंदिर के बारे में लिखा है कि ये कितने साल पुराना है। लगभग 1700 के आसपास ये बना था और इस मंदिर में बहुत सी, मतलब 64 से भी ज़्यादा मूर्तियां हैं जिन्हें शायद जिस राजा ने बनवाया था उसी राजा ने उन मूर्तियों को खंडित करवा दिया था। चलिए हम आपको वो मूर्तियां भी दिखाते हैं। तो ये जो मूर्तियां हैं इस तरह बनाई गई हैं, किसी का सिर कटा है, किसी का गला, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का आधा धड़ ही काट दिया। तो इस प्रकार से इन मूर्तियों को पता नहीं किस कारण से लेकिन इनको इस तरीके से खंडित किया गया है। ऐसी बहुत सी मूर्तियां हैं, ये जो मूर्तियां हैं इनके नीचे इनका नाम भी लिखा है शायद, लेकिन मैं वो आपको दिखा नहीं सकता। पूरे मंदिर के सर्कल में ये मूर्तियां बनी हुई हैं। देखिए, किसी का सिर ही गायब है, किसी का धड़, किसी का पैर, किसी का हाथ, ये जो है कटे हुए हैं। अब फाइनली दोस्तों हम भेड़ाघाट पहुंच चुके हैं जहां पर धुआंधार का हम आपको दृश्य व्यू दिखाएंगे। उससे पहले हमें रास्ते में ही बहुत सी अगल बगल दुकानें मिलती हैं जो कि शिवलिंग वगैरह और भी मूर्तियां हैं जो यहां से, जो जबलपुर की खासियत है मार्बल के लिए, उसी से बनाई गई हुई बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो बगल में दुकानें लगी हैं और उन्हीं से बनाई जाती है, मार्बल से खास तौर से। आप ये देख सकते हैं, ये जो वाइट पत्थर देख रहे हैं ये लगभग मार्बल पत्थर ही है क्योंकि मार्बल वाइट होता है, कल जो है उसी पत्थर से कुछ डिज़ाइन वगैरह बना रहे हैं। ये हनुमान जी का मंदिर, तो बहुत दुकानें हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं भेड़ाघाट धुआंधार का ये दृश्य जिसमें पानी की तरह धुआं दिखाई देता है, इसलिए इसे धुआंधार कहते हैं। पानी जब ऊपर से नीचे गिरता है तो वह ऊपर की तरह बूंदों में ओस की तरह ऊपर आता है जिसे कारण हमें वह धुआं की तरह दिखाई देता है।
यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो हमारी तरह ही घूमने आए हैं और वो भी यहाँ घूम रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। अब हम लोग और आगे जा रहे हैं। यहाँ पर पानी का ठहराव है जिससे हम लोग नहा भी सकें, क्योंकि हम लोग बिना नहाए आए थे तो सोचा था कि यहीं आके नहाएंगे। तो ये हमारे संदीप भाई हैं और हमारे दीपक भाई जो आगे अपना ब्लॉग बनाते हुए जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो इस तरफ पानी भरा है वो ठहरा हुआ है और उस तरफ का जो पानी है वह लगातार बह रहा है और वहाँ धुआं जो धार है वहाँ पर गिर रहा है। ये देख सकते हैं पानी जो है, यहाँ पर सुबह की टाइम बहुत कम है लेकिन रात को जो है यहाँ एक बहुत बड़ा डैम है, बरगी डैम, वहाँ से छोड़ा जाता है तो पानी बहुत ज़्यादा होता है रात के समय। दिन के समय में इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर लोग होते हैं। आ चुके हैं यहाँ उस दृश्य के आगे। यहाँ एक जो है जो घूमने आते हैं उनके लिए बनाया गया है और यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो नर्मदा नदी है वह ऐसी चट्टानों के बीच से होती हुई जाती है। एक दृश्य देख सकते हैं, ये है धुआंधार जहाँ से पानी गिर रहा है। ये बहुत सारी दुकानें हैं जो आप देख सकते हैं। ये इस प्रकार जो है पानी आता है और इन पत्थरों के बीच से होता हुआ जाता है घिसते हुए। ये पानी देखिए लगातार बहता जा रहा है और अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि इसकी कितनी गहराई होगी। तो दोस्तों बताइएगा कि आपको यह ब्लॉग कैसा लगा और जबलपुर का भी आइए तो भेड़ाघाट धुआंधार ज़रूर देखिए और यहाँ का आनंद ज़रूर लीजिए। यहाँ बहुत से लोग आते हैं दूर दूर से। Yeah!